हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक फॉर वर्ल्ड में। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अपने YouTube चैनल टेक फॉर वर्ल्ड की टेक फॉर वर्ल्ड टॉक्स नंबर 7 वीडियो। तो दोस्तों, जो अपनी पहली टेक न्यूज आती है वो आती है सैमसंग के बारे में, यानी कि सैमसंग के गैलेक्सी S10e की कुछ तस्वीरें ली गई है। इनसे जानकारी ये मिलती है कि सैमसंग गैलेक्सी S10e स्मार्टफोन इन्फिनिटी और डिस्प्ले पैनल, दो रियर कैमरे और साइड माउंट फिंगरप्रिंट के साथ लॉन्च किया जा सकता है। जो अपनी दूसरी टेक न्यूज आती है वो आती है हुआवे के बारे में, यानी हुआवे ने अपने ट्विटर पे ये न्यूज शेयर की है कि वो हुआवे अपना फोल्डेबल 5G फोन 24 फरवरी को बार्सिलोना में एक इवेंट के अंदर लॉन्च करने वाला है। जो अपनी अगली टेक न्यूज आती है वो आती है नोकिया के बारे में, यानी कि नोकिया अपना नोकिया 9 करने वाला है बार्सिलोना में लॉन्च, जिसमें HMD ग्लोबल जो इवेंट हो रहा है बार्सिलोना में, उसी के अंदर नोकिया अपने 5 रियर कैमरे वाले नोकिया 9 को लॉन्च करने वाला है और ये जल्दी से 24 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। तो जो अगली टेक न्यूज आती है वो आती है सैमसंग गैलेक्सी के बारे में, यानी कि सैमसंग गैलेक्सी अपने फोल्डेबल फोन को करने वाला है जल्दी लॉन्च। पर जो उसकी कुछ तस्वीरें लीक हुई हो गई है, इनसे ये पता चलता है कि इसके अंदर होगा 7.3 इंच का डिस्प्ले जो मोड़ कर हो जाएगा 4.6 इंच का। फोल्डेबल फोन को गैलेक्सी ऐप के नाम से उतार सकती है और जो इस कंपनी ने इसकी प्राइस रखी है वो रखी है लगभग 1,30,000 रुपए। तो वक्त हो गया है कुछ बॉलीवुड न्यूज का। जो अपनी पहली बॉलीवुड न्यूज आती है वो आती है मूवी एक लड़की को देखा ऐसा लगा के बारे में, यानी कि फरवरी 2019 की पहली रिलीज फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। फिल्म ने पहले दिन 3.30 करोड़ रुपए की कमाई की है। अगली बॉलीवुड न्यूज आती है वो है कि मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सलमान के खिलाफ मुंबई के ओसोवेरा पुलिस स्टेशन की एक मॉडल और कोरियोग्राफर शिकायत दर्ज की है कि शिकायत के अनुसार पिछले साल सलमान ने एक शो के बारे में बात करने के लिए मुंबई के ओसोवेरा के एक कैफे में मीटिंग के लिए कोरियोग्राफी को बुलाया और फिर उसे अपनी कार में ले जाकर छेड़खानी की। मामले की जाँच शुरू हो गई है। अब वक्त हो गया है कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बात करने का। जो अपनी पहली स्पोर्ट्स न्यूज आती है वो आती है कैनबरा में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट की, यानी कि सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के कमिंस की गेंद करुणा रत्ने के हेलमेट पर लगी जिनसे वो घायल हो गई। घायल करुणा रत्ने को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो अपनी अगली स्पोर्ट्स न्यूज आती है वो आती है डेविस कप के बारे में, यानी कि डेविस कप में इटली ने हरा दिया है भारत को। इटली ने दर्ज किए 3-1 से जीत। इटली के आंद्रेस ने एप्पल वर्ग में प्रजनेश गुणेश्वर को हराया। भारत डेविस कप से बाहर होने के बाद अब वापस एशिया और ओशिनिया जोन में खेलेगा। जो अपनी अगली स्पोर्ट्स न्यूज आती है वो आती है क्रिकेट की, यानी कि क्रिकेट के अंदर स्मृति मंदना गई है टॉप रैंकिंग के अंदर सबसे ऊपर। मंदना के बाद ऑस्ट्रेलिया की एलिन पेरी दूसरे और लैनिंग तीसरे नंबर पर है। भारत के खिलाफ लगातार 350 लगाने वाली न्यूजीलैंड की कप्तान एमी सैटरवेड चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको वीडियो लगा हो अच्छा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो ये मेरे चैनल का जो लोगो आ रहा है इस पर भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।